बादलपुर थाना पुलिस ने बच्चियों को अगवा कर दूसरे राज्यों में बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का रविवार को खुलासा किया। गिरोह ने बादलपुर क्षेत्र से 12 साल की बच्ची को 15 दिन पहले अगवा कर सोनीपत में जसवीर 52 वर्षीय को 70,000 रुपए में बेच दिया था। आरोपी ने बच्ची से जबरन विवाह कर लिया था। पुलिस ने बच्चे को बरामद कर गिरोह की 3 महिलाओं, 2 पुरुष और जसवीर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने केस में दुष्कर्म की धारा भी लगाई है। डीसीपी महिला सुरक्षा वृंदा शुक्ला के अनुसार बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से 26 दिसंबर को घर के बाहर खेल रही बच्ची को अगवा किया गया था। मां की शिकायत पर बादलपुर थाना पुलिस ने अपहरण की धारा में केस दर्ज किया था। पुलिस ने रविवार को संभल गुन्नौर निवासी पूजा हापुड़ के बाबूगढ़ की गुड़िया उर्फ नाजरीन, सोनीपत के गोहाना की किरण व बरौदा गांव निवासी जसवीर और रोहतक के गुंगाहेड़ी गांव के सुनील व धर्मराज को गिरफ्तार किया है। गुड़िया और किरण फिलहाल माधेपुरम गाजियाबाद में किराए पर रह रही थी और पूजा बच्ची के पड़ोस में रहती है। गिरोह में इनके पति भी शामिल हैं। इस मामले में गिरोह के अन्य सदस्य नौशाद, माधेपुरम का नवाब, रूप किशोर आदि फरार हैं। पुलिस के मुताबिक पूजा बच्ची के पड़ोस में किराए पर रहती थी। गुड़िया ने पूजा के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची थी। बच्ची को बहला फुसला कर अगवा कर जसवीर को बेच दिया गया था। इसके बाद जसवीर ने बच्ची से जबरन शादी कर दुष्कर्म किया था। आरोपी लंबे समय से लड़कियों को अगवा कर हरियाणा में बेच रहे हैं। हाल ही में सहारनपुर की बच्ची को इसी तरह बेचा गया था। पुलिस सहारनपुर की बच्ची को गिरोह के चंगुल से छुड़ाने व अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। हरियाणा के लिंगानुपात में लड़कियों की संख्या कम होने से कई युवकों का विवाह नहीं हो पाता है। इस कारण गिरोह के सदस्य हरियाणा के ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो अधिक से अधिक रुपए देकर लड़कियों को खरीद सके। 9 जनवरी 2022 को थाना बादलपुर द्वारा एक बहुत सफल ऑपरेशन के अंतर्गत एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया गया है जो छोटी नाबालिग बच्चियों को बहला फुसला कर ले जाते हैं और फिर पैसे के लिए उन्हें अपने से बहुत बड़ी उम्र के व्यक्तियों से शादी के लिए बेच देते हैं। 26 दिसंबर 2021 को थाना बादलपुर के क्षेत्रांतर्गत छपरौला की निवासी एक महिला द्वारा थाने पर शिकायत दी गई थी कि उसकी 12 वर्ष की बेटी घर के बाहर खेल रही थी और वहां से लापता हो गई है। ये सूचना मिलने पर तुरंत थाने द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और तभी से बच्चे की तलाश की जा रही थी। इसी तलाश के दौरान यह चीज सामने आई कि शायद एक गिरोह कार्यरत है जिसमें महिलाएं भी सदस्य हैं और कोई महिला ही बच्चे को घर के बाहर से बहला फुसला कर ले गई है और उसको हरियाणा में एक जसवीर नामक 52 वर्ष के आदमी को शादी करके 70,000 रुपए में बेच दिया गया है। इस गिरोह का खुलासा जब हुआ तो इसमें अभी तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं एवं जसवीर जिससे उस बच्चे की शादी की गई थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरोह को मूल रूप से रोहतक हरियाणा में ही संचालित पाया गया है लेकिन ये अन्य स्थानों से भी बच्चों को उठाकर लेकर जाते हैं। इसमें और 5 अभियुक्तों के भी नाम सामने आए हैं जिनके बारे में ठोस सुराग पुलिस को प्राप्त हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इसमें बाकी गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। जो 363 का मुकदमा बच्चे की गुमशुदगी के संबंध में पहले पंजीकृत किया गया था उसमें विभिन्न अब और धाराएं बढ़ा दी गई हैं और सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली खबर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।